कुसुम तुम्हारे सामने बात करने से रिझक रही है शायद। अब गुस्से में चली ना जाना, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी स्टेशन। तुम अधिया हो ना? जी। तो बेटा जो कहने आई हो मेरे सामने कह दो। तुम इससे कहोगी या आकर मुझे बताएगी तो वक्त जाया होगा, और मेरा यकीन कर लो, जाया करने के लिए वक्त नहीं है इसके पास। मैं ये कहने आई थी कि यूसुफ को छोड़ दीजिए प्लीज, मैं भी खाना देकर आई हूँ। उसे मार मार कर बुरा हाल कर दिया है उसका, सर मुँह से खून निकल रहा है, दांत भी दुख रहे हैं। एक एक लुकमा मुंह में डाला तो दर्द से तड़प गया वो। मैं हालत दिखाऊं? नहीं, हालत नहीं देखनी। उसने कहा कि उसे रिहाई चाहिए? नहीं, कभी नहीं कहेंगे। कमबख्त मोहब्बत में गिरफ्तार है तो रिहाई कैसे मांगेगा? उसकी किसी वकील से बात कराओ जो उसे समझाए, वरना मौलवी साहब कह रहे थे कि 5-6 साल की जेल हो जाएगी, शायद डर जाए। नहीं, नहीं डरेगा। फांसी भी मिल गई तो नहीं डरेगा। तो फिर तुम क्यों डर रही? मर्दों को होती है फांसियां, सरों भी फट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कहने से या वकील के समझाने से अगर मर डर जाएंगे तो मोहब्बत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोहब्बत का कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा है, और अगर नुकसान ही होना था वो अकेला क्यों झेल रहा है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा दर्द कम करने की कोशिश करती हूँ। तुम रुको, ये दर्द वालियों का मामला है, उन्हें कहने सुनने दो। ये मेरा भाई है वली, मैं तुम्हें इसके सामने बताती हूँ। मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ। क्या बकवास कर रही हूँ? इसे दिखाने के लिए बता रही हूँ वली, मेरे पास छोड़ो, छोड़ो। किसी और थाने में और मैं किसी और थाने में, मार तो दोनों को पड़ेगी। किसी का सर मुंह फट जाते तो किसी का दिल। देखिए मेरे भाई की आंखों में मोहब्बत जैसी चीज के लिए नफरत, इसके बाद तो बाल पकड़ने की भी जरूरत नहीं रही। फिर भी उससे कहना, दिल के खेल में जान तो देनी पड़ती है। जब मोहब्बत के लिए कोई जान दे देता है तो उसका कैरेक्टर पता चलता है। देखो तुमसे चाय का भी नहीं पूछा और दरवाजे तक छोड़ने आ गई। अब तुम जाओ, अब्बा के आने का वक्त हो गया। कहीं अब्बा के सामने कहना पड़े कि मुझे यूसुफ से मोहब्बत है तो फिर जो होगा तुम यूसुफ का गम भुला दोगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या लगती है यूसुफ? फिर किसी दिन पूछूंगी, अभी तो बताती है कि उसके दोस्त की बहन है। तो डाकिये का काम कर। एफआईआर में इसका भी नाम डलवाना चाहिए था। तुमसे भी क्या कहूं वली, अब्बा की तरह पुलिस थाने पर भरोसा कर।
पर याद रखो, मोहब्बत के मुजरमों से थाने में बात नहीं होती। कौन? आंटी, मैं मदीहा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ चली गई थी तुम? मैं यूसुफ को खाना देने गई थी, वो मैं नहीं आया। आप और अंकल को देर हो गई तो मैंने सोचा खुद दे आती हूँ। अगर तुम्हारे अंकल तो बता रहे थे तुम वहाँ से 4 बजे ही निकल गई थी, अपने घर गई थी तुम, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैं अपने घर नहीं गई थी, जुलेखा के घर गई थी। यूसुफ की हालत मुझसे देखी नहीं गई तो मैं वहीं चली गई। खाना ठीक पकाया था मैंने? हाँ, खाना बिल्कुल ठीक था। यूसुफ ने तो खाया भी नहीं। क्यों? उसके दांत बहुत दुख रहे थे। पुलिस ऑफिसर से मिन्नत करके उसे दूध पिलाकर आई। मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं? हाँ सो जाओ। तुमने कुछ खाया है? नहीं, दिल बहुत दुख रहा था मेरा। घबरा गई थी ना, मगर वो तो डटा हुआ है, उसे किसी बात का गम नहीं ना किसी का डर। उसे देखकर रोने लगी तो कहता है तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, किसी को भी तकलीफ में देख के रो पड़ती हो। हाँ तो रोती क्यों? मेरा दिल बहुत छोटा है ना। झूठ बोलती हो तुम, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। वहां पता नहीं तुम रोई या नहीं, लेकिन यहाँ कितना रो रही हो। ये है बड़े दिल वालों का काम, वो दिल वालों के सामने नहीं रोते, घर वापस आकर रोते। कुछ खा लो, दिल दुखा है ना तुम्हारा। दांत तो नहीं ना दुख रहे? थोड़ी देर में खा लो। घंटे बाद जगा दो। मारुख को कह दीजिएगा कि आकर जगा दो। नींद नहीं आएगी तुम्हें, अगर चाहो तो मेरे पास बैठकर मुझसे बातें कर लो। उन्होंने आपसे क्या कहा? मेरा मतलब है, जब आप रिश्ता लेने गए थे तो क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं बोले, बस आंखें फाड़ फाड़ के एक दूसरे को देखते रहे। मतलब इनकार भी नहीं किया? इनकार करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। तुम्हारे अंकल की जान पहचान निकल आई और जान पहचान से ही पता चल गया कि वो किस टाइप के लोग हैं। नहीं, जुलेखा, उसकी अम्मी बहन अच्छे हैं। तीनों की किस्मत अच्छी नहीं है, और यहाँ हमारे यूसुफ की बैड लक चल रही है। मतलब बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला ना कुछ तय हुआ? तय भी हो गया बेटा और नतीजा भी निकल आया। जुलेखा यूसुफ को किसी कीमत पर नहीं मिल सकती, वो थाने में मार खाए या मर जाए। तुम कुछ देर आराम कर लो।
उस तरह का तशद्दुद नहीं कर सकते आप, और आपके तफ्तीशी अफसर को मैं अदालत के कटहरे में लाके खड़ा कर दूंगा और उससे एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। अरे जाने दीजिए वकील साहब, तफ्तीशी जब इस तरह के हिसाब से पास होते हैं ना तो तफ्तीशी बनते हैं। आप ये छोटे मोटे जख्मों पे ध्यान देने की बजाय इसकी जमानत का बंदोबस्त क्यों नहीं करते, वरना बहुत रगड़ा लग जाएगा। मैं अदालत में साबित कर दूंगा कि आपने ऐसी एफआईआर काटने के लिए पैसे लिए हैं। फिर वही बात, मैं ये वकील साहब आप इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए शक्ल से कितना मासूम लगता है, अब मुझे तो वैसे भी ये बेगुनाह लगता है। देखें जरा इसे गौर तो करें, ऊपर से सच भी बोलता है। अदालत में बोल कर आया है कि मैंने इसके अब्बा से 1,00,000 रुपये लिए हैं। वजी साहब आप बताइए, मैंने आपसे कोई पैसा लिया है? जी नहीं, कोई पैसे नहीं दिए। सुन लिया? हाँ ये चोट जख्म वाली बात ठीक है, तफ्तीश में छोटी मोटी मारपीट तो होती रहती है, लेकिन सच बताऊं तो आपकी वजह से वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसे, हवालात से निकाल कर सामने बिठाया कुर्सी पे, हंस के बात कर रहे हैं, इसके लिए चाय मंगवाई है अभी। वो देखें, आगे आगे ला भी, ला जल्दी ला। चल शाबाश, डाल कपों में और दे सबको। देखिए सच बताऊं तो केस अदालत में लड़ने की गुंजाइश नहीं है आपके पास, एफआईआर बहुत सख्त है, लड़के को सजा हो जाएगी। तो फिर क्या करना है? एक ही हल है, बुदई पार्टी से बात चलाइए, माफी मांग लीजिए। देखिए कुछ दिनों के लिए मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाए, दिल ही दिल में करता रहे लेकिन महसूस ना होने दे। तो फिर आप पैसे कितने लेंगे? अरे वकील साहब, मुफ्त मशवरे पे रिश्वत की ऑफर, वो भी बच्चे के सामने तो ना करें ना, इस तरह तो हम बदनाम हो जाएंगे। भाई नकवी साहब। जी सर। बच्चे को ले जाओ, हवालात में बंद कर दो। जी तो क्या कह रहे थे आप? तो फिर ऐसे तो साहब आप बच्चे को बरी करने के कितने पैसे लेंगे? आपके लिए सिर्फ 5,00,000, और वो जो पहले 1,00,000 दिया है ये उसके अलावा। बात सुनो बेटा। एक बात कहूं तुमसे? कहिए। बेटा जुलेखा तुम्हें नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर भी नहीं मिलेगी, चाहे तुम जेल जाओ या जान से जाओ, जुलेखा तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। आप डर गए ना मेरे जख्म देख के, मेरी हालत देख के, दांत दुखने का सुना तो दिल दुख गया आपका? नहीं बेटा, तुम्हारी कसम में डरा नहीं हूं, लेकिन मैंने किस्मत का लिखा पढ़ लिया है। इतनी मार खाने से भी किस्मत नहीं बदलती अब्बा? ना, किस्मत में पहले भी वही हुआ जो लिखा था, और आज भी वही होगा जो लिखा। पहले क्या हुआ? नहीं पहले मतलब यह है कि यही होता होगा ना जो पहले से तय है और लिखा हुआ है, यानी अगर पहले से लिखा हुआ है कि मिलना मुमकिन नहीं है तो कैसे मिलेंगे एक दूसरे से? कितने साल की जेल होगी अम्मा, यह भी तो लिखा होगा ना? जेल तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा बेटा, चाहे मुझे खुद को बेचना पड़ जाए मैं तुझे जेल नहीं जाऊंगा।
जब लिखा ही है तो अपने आप को बेचने का क्या फायदा होगा? सारी कोशिश जाया ही होगी ना, या फिर आपने किस्मत को ठीक से पढ़ा नहीं है। जाइए, जाके पढ़िए कि अगर मैं सुलेखा से दस्तबरदार नहीं होता तो कितने साल की चलोगी। सुलेखा से मेरा मिलना, मोहब्बत करना, यह भी तो लिखा होगा ना अब्बा। जाके एक दफा ये भी बैठ के सोचिए कि जो अपने मखलूक से बेपनाह प्यार करता है वो प्यार करने वालों को मिलने क्यों नहीं देता। या फिर मान लीजिए कि आप डर गए और डर के मारे किस्मत का हाल पढ़ के सुना रहे। तो मेरा एक ही बेटा है यार, मैं डरूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। जाइए घर जाके सो जाइए, मैं किसी नफरत करने वाले से नहीं डरूंगा। हमजा नजर नहीं आ रहे, शिकस्त खाकर चले गए दोनों। कम से कम निकाह तक तो रुकना चाहिए था। किसका निकाह? जिसकी इतवार को शादी होना थी। अब सोचा है कि इस इतवार को उसका निकाह होगा और अगले इतवार को शादी। मेरी शादी? कोई शक? शक तो कोई नहीं अब्बा, यकीन है कि जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने भी सोच लिया है, आखिरी दम तक लड़ूंगी। लड़ूंगी मतलब? मुझे ठीक से जानना है कि निकाह का शरई हुक्म क्या है। सीधी बात करो जुलेखा। इजाब कबूल में लड़की की क्या हैसियत होती है? मेरा मतलब है कि लड़की खुद हाँ कहती है या उसकी जगह उसके अब्बा कहते हैं। मुझे कबूल है। तुम्हें शर्म नहीं सुलेखा? तुम अब्बा के सामने जबान चला रही हो। मुझे बहुत शर्म आती है वली, इसलिए निकाह से पहले सब कुछ क्लियर कर लेना चाहती हूँ। अगर मैंने मौलवी के सामने कह दिया कि मुझे मंजूर नहीं है तो जरा सोचो तुम लोगों को कितनी शर्म आएगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत? वली बैठ जाओ। वली मोहम्मद जी हाँ कहते हाँ बैठ जाओ। और खबरदार जो जवान बहन को दोबारा आंखें दिखाकर अपनी ताकत का गुरूर दिखाया। तो सिंपल सा सवाल पूछा है उसने, और सवाल भी कोई दुनियावी नहीं, एन शरई सवाल। इसे बिस्मिल्लाह करके जवाब दीजिए और बताइए कि निकाह में कबूल करने का इख्तियार लड़की के पास होता है या उसके अब्बा के पास? इतवार को दूंगा जवाब। दीनी शरई दोनों जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। बाप बेटा मिलकर मारेंगे तुम्हें। मारेंगे नहीं आफिया बेगम, मार डालेंगे। इतवार को अगर इसकी डोली ना उठी तो इस घर से इसका जनाजा जरूर उठेगा। मंजूर है अब्बा, अगर मेरे सवाल का शरई जवाब यही है तो जनाजे की बात कीजिए, डोली हम दोनों को महंगी पड़ेगी।
कैसा है वो? जैसा भी है बस टट गया है। मोहब्बत का नाम लेके मुश्किल मुश्किल सवाल करता है। पहली मार पड़ी थी तो मुझसे छुपा कर रखा, सोचता होगा जब मुझे पता चलेगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी। अब मैं उसके जख्म देख के डर जाता हूं तो कहता है कि मेरे दांत भी दुख रहे हैं। साथ ये भी कहता है कि चाहे जेल हो जाए या जान चली जाए मोहब्बत से बाज नहीं आऊंगा। उठिए उठिए, आप स्कूटर निकालिए, मैं चादर लेकर आती हूं। अब इस वक्त कहां ले जा रही हो तुम मुझे? वही पुलिस स्टेशन, मैं बात करूंगी उससे। वो मेरी एक नहीं सुनता तो तुम्हारी क्या हक सुनेगा? मैं सौतेली हूं वजी अहमद, मुझे बात करने के 10 कड़वे तरीके भी आते हैं। आप मेरे साथ चलिए। वो मारुख? मारुख सो रही है, मैं मदिया को जगा देती हूँ, उसका ख्याल रख लेगी। जाग रही हूँ मैं, ख्याल रखूंगी उसका। आप उठिए, मैं चादर लेकर आ रही हूँ। मैं जाग रही हूँ मदिया भी। हेलो, तो क्या सोचा है तुमने? सोचा मतलब? यूसुफ के बारे में पूछ रही। बताया तो था, यूसुफ से मोहब्बत हो गई है मुझे, बल्कि तुम्हारे सामने वली को भी सुना दिया था, रिएक्शन भी देख लिया था तुमने उसका। अब ताज़ा खबर ये है कि अब्बा ने धमकी दी है, बोले हैं इतवार को तुम्हारी डोली जाएगी या फिर जनाजा निकलेगा, और मैं जनाजे पर मान गई। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा सुलेखा, डराने के लिए तुम्हारे अब्बा ने पुरानी धमकी दी है तुम्हें। क्या मतलब? पहले भी वो तुम्हारी खातिर पुलिस स्टेशन जा चुका है, तुम्हारे लिए मार खाई है उसने। बताओ जरा तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब क्या हुआ था मुझे? तब तो मुझे उससे मोहब्बत ही नहीं थी। तो चलो मोहब्बत के बाद की रौदात सुनाओ। एक थप्पड़ भी पड़ा है तुम्हें? किसी ने प्लेट उठाकर तुम्हारे सर पे मारी है? कोई जख्म आया है? कोई दर्द हुआ है तुम्हें? चलो यही बता दो, खाना खाते हुए तुम्हारे दांत दुखते हैं? नहीं ना। तो अब उसके बारे में सुनो। जख्मों से चूर है वो, ना ठीक से बोल पाता है ना ठीक से चल पाता है। सर मुंह की चोटें देखो तो लगता है मोहब्बत के ऊंचे मनार से मुंह के बल गया। यहां तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, वहां उसे सजा मिल रही है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ जुलेखा, मोहब्बत एक तरफा नहीं है तो सजा एक तरफा क्यों है? अरे रुको तो सही, चप्पड़ चप्पड़ बोली जा रही हो बस। तुम ये क्यों समझती हो कि चोट उसे लगी है तो दर्द बस तुम्हारे कलेजे में उठ रहा है? मैं भी तड़प रही हूं मदीहा, कहीं उसके बराबर तो कहीं उससे ज्यादा। यहां वाली हंसकर बता रहा था, साले को मारो तो मुंह से सी नहीं निकलती। पता है उसके मुंह से सी क्यों नहीं निकलती?
क्योंकि मेरे दिल से चीख निकल जाती है। मेरे सर और मुंह पे जख्म के निशान मत ढूंढो, उस एक चीख की आवाज सुन लो बस। उसकी आवाज सुन के तो मेरे अब्बा का दिल भी दहल जाता। फोन रखती हूँ, और प्लीज जब उसके लिए तड़पो तो मेरे लिए भी दुआ करना। मदीहा मोहब्बत करती है ना उससे? हाँ। रिमांड पे रखे हुए मुलजम की मां को मुलाकात के लिए नहीं आना चाहिए था। अब वो उसकी हालत देखेगी तो झोली उठा के हमें बद्दुआएं देगी। जी नहीं, वो बद्दुआएं नहीं देगी, आप परेशान मत हो। परेशानी वाली बात तो है, मां से तो पुलिस वाले भी डर जाते हैं। वो जी उसकी सुतेली मां है और दोनों में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आई है? जनाब ने दो शादियां की है। मौजे करें जनाब, मौजे करें। दो इस तरह किसी से मोहब्बत करने लगी हो, सुनकर खुश हो गई हूँ। लगा है मुझसे नफरत तो तुम्हारी बस दिखावे की है। क्यों आई आप यहाँ? तुम्हें देखने आई हूँ। वजीर ने बताया था तुम्हारे सर और मुंह पर चोटें लगी हैं, दांत भी दुख रहे हैं और ठीक तरह से चल भी नहीं सकते। खूब निभाया है तुमने मोहब्बत को, लेकिन अब बस, ज्यादा निभाने और दिखाने की जरूरत नहीं। यहां से अपनी जान बख्शी करवाओ और लौटकर घर आओ बेटा। आपसे तय हुआ था कि आप मुझे बेटा नहीं कहेंगे? तय तो ये भी नहीं हुआ था कि तुम मुझे इस तरह तड़पाओगे। समझो तो तुम्हारे अब्बा का गम देखकर तड़प गई। तुम उस बाप की तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते जिसका अकलौता बेटा जख्म खाकर हवालात की सलाखों के पीछे खड़ा हो। वो घर आए तो रो रहे थे, एक आंसू गिरा तो मुंह छुपा लिया, दूसरा गिरा तो हथेली से पहुंचकर बोले, यूसुफ जैसा भी है डट गया है नुदरत। और मैं तुम्हें यहां ये कहने आई हूं, बेकार की जिद पे डट जाओगे तो तुमसे मोहब्बत करने वाले सब लोग टूट जाएंगे। अब्बा को सब बता दिया मैंने, उन सब बातों का जवाब लेके गए। तुम्हारे अब्बा ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या तुम्हारा जवाब सुनकर ऐसे बन गए जैसे लाजवाब से हो गए? मैं जानता हूँ वो डर गए। FIR बहुत सख्त है मेरे खिलाफ, उनको लगता है मुझे जेल हो जाएगी। उन्होंने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी जुलेखा से नहीं हो सकेगी, चाहे तुम्हें जेल हो जाए या हमारी जान चली जाए? हाँ, ये तो कहा था उन्होंने। डर गए तो अब किस्मत पर यकीन आने लगा, बोले जुलेखा तुम्हारी किस्मत में नहीं है। और तुम क्या समझे उन्हें किस्मत पर यकीन आ गया? ऐसा नहीं है यूसुफ, उन्हें हालात पर यकीन आ गया। आज उन्होंने एक ऐसा वक्त भी देखा है जिसकी शक्ल किस्मत जैसी थी, फैसला कुन दो टोक जैसे लिख दिया हो कि जुलेखा यूसुफ को नहीं मिलेगी। उस वक्त को मैंने भी देखा है और ये मान कर आई हूँ कि जुलेखा तुम्हारी किस्मत में नहीं है। आप उसके अब्बा को मिली होंगी ना, उनको देख के यही लगता है। अरे नहीं, हम तो उनके अब्बा से मिले भी नहीं, हम तो सिर्फ उनकी अम्मी से मिले। तुम्हें पता है कौन है? कौन? तुम्हारे अब्बा की जुलेखा। तुम्हारे अब्बा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, आज भी तुम्हारे अब्बा की पोटली में उनके खत है। एक दफा मेरे हाथ लग गए तो खूब लड़ाई हुई,
लड़ाई क्या हुई मैं बोलती रही और वो सुनते रहे। मैं चुप हुई तो बोले, बताओ मैं इनका क्या करूं, जला दूं? मैंने कहा हाँ जला दो। उन्होंने वो खुदूत मुझे दिए और कहा तुम अपने हाथ से जला दो मगर पोटली ना जलाना। पता है वो पोटली तुम्हारी अम्मी ने सीख कर दी थी उन खुदूत को संभालने के लिए। मैं तो शर्म से जैसे मर गई। मैंने वो सारे खुदूत संभाल कर अपनी अलमारी में रख दिए। अब बताओ जुलेखा तुम्हें मिलेगी या नहीं? शेख साहब के जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने आफिया का गुरूर तोड़ने के लिए ही उससे शादी की थी, ये जानते हुए कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मोहब्बत का खून करने की उनकी पुरानी आदत है। वो जुलेखा के टुकड़े करके समंदर में बहा देंगे लेकिन वजी अहमद के बेटे को उसका रिश्ता कभी नहीं देंगे। मैं तुमसे यही कहने आई हूं कि जब तुम्हें जेल जाकर भी कुछ नहीं मिलेगा तो अपने बाप से उसके अकलौते बेटे को क्यों छीन रहे हो? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं लेकिन सगी बेटी की कसम खाकर कहती हूं कि उसे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जाती। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल आदिल नो समझा तू मेरा नहीं। और सैटरडे है, मेरा मतलब है सिर्फ नमाजें पढ़ने से सारे काम हो जाते, इसराइल तो अचानक नेस्त नाबूद हो चुका होता। अब्बा जा गए होंगे ना? जाहिर है, फजर की नमाज तो लाजमी पढ़ते हैं। मैं भी नमाज पढ़ लूँ तो फाइनल बात कर लूंगी उनसे। रुको, उनसे क्या बात करोगी? मान लेंगे तुम्हारी बात, देखना आज मान जाएंगे। कौन? मैं हूं। आ जाओ। अब्बा से बात करनी है। बोलो। यूसुफ को रिहा करवा दीजिए, मैं इमरान मुगी से शादी कर लूंगी।